स्थिर चरणिकरा व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि विरीशनु उद्भासितान् कामधेन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म जगतन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदियों मांडू को उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग सुषुप्ति में प्रवेश किया है ना। तीन अवस्था के माध्यम से चल करके अवस्था रहित अवस्था में जाना है। तीन अवस्था के माध्यम से चल करके जिसमें कोई जो असमस्त अवस्था से परे हैं उस अवस्था में पहुंचना है। इस अवस्था को तुरी अवस्था कहा जाता है ना। तो पहले जागृत अवस्था मतलब जागृत काल में विषय इंद्रियों का संयोग से स्थूल वस्तु के साथ अभिमान करता रहता है। फिर स्वप्न काल में आकर के उस स्थूल वस्तु को तो छोड़ देता है, केवल अपना संस्कार में अभिमान करके अपने वस्तु को बना करके वो उसका आनंद सुख दुख भोगते रहते हैं। सुषुप्ति काल में आकर के ये दोनों प्रकार के जो है कि दर्शन बंद हो जाते हैं। परंतु समता क्या है सुजागृत स्वप्न सुषुप्ति में, समता क्या है अज्ञान मतलब तत्व की अग्रहण, तत्व की अग्रहण तीनों काल में समान है। तत्व की अग्रहण तीनों काल में समान है परंतु दोनों काल में अन्यथा ग्रहण होता है और एक काल में अन्यथा ग्रहण नहीं होता है। नॉट अंडर बेसिक कॉन्सेप्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट इज द कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। वेदांतिक ये सिद्धांत तो ये अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जीवन में हर जगह पे लागू होता है, पता कि नहीं होता कि यदि आप सही से वहाँ पे क्या है जान जाते, किसी ने कुछ किया आप उसके साथ लड़े गए तो नहीं, यदि वास्तविक क्या है किस परिस्थिति में ऐसा हुआ, यदि आप ठीक से जान जाएंगे तो अपने आप ही लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। कि ये अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये अग्रहण को वेदांतिक भाषा में हम निद्रा बोलते हैं और अन्यथा ग्रहण को स्वप्न बोलते हैं। और निद्रा अवस्था में स्वप्न आते हैं, परंतु ये अग्रहण के कारण ही अन्यथा ग्रहण होता है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में अग्रहण समान है पर अन्यथा ग्रहण दो में है एक में नहीं है। ठीक है, मैं बोला सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है कि आपका अग्रहण मतलब स्वरूप का अग्रहण तीनों जगह में बराबर है, पर दो जगह पे हम अन्यथा ग्रहण कर लेते हैं। हम अपनी पूर्णता को नहीं जानते हैं तो मैं संसारवानंद हूँ और फिर स्थूल वस्तु के और फिर वासना वहाँ से भोग करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कल हम लोगों ने इसको पढ़ लिए थे, टीका में आ जाइए। दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्तिर अत्र अस्ति इति जागृतम दर्शन वृत्ति जागृति दर्शन टीका में है। और स्थूल विषय दर्शन अन्य दर्शन स्थूल विषय दर्शन से अन्य दर्शन वासना मात्रम तस्य वृत्तिर अत्र अस्ति इति अदर्शन वृत्ति भाष्यकारी का दर्शन अदर्शन वृत्तियों है ना। तत्व अप्रबोध लक्षण, ठीक है ना। तत्व क्योंकि तत्व का प्रबोध नहीं है वहाँ पे, स्वापस्य ये जो सुषुप्ति है तुल्यता ये भी एक ही जैसा है। सुषुप्ति होना था, वहाँ पे सुषुप्त में विशेषता क्या है वहाँ पे सुप्त ऐसा करके कहते हैं। इस पंक्ति को हमने टीका में भी पढ़ लिए थे। इति अदर्शन वृत्ति स्वप्न तयोर सुषुप्त वत एव स्वापस्य तत्व अग्रदिक तत्व अग्रण से तुल्यत्वा। इस प्रकार उन दोनों स्थान में जागृत स्वप्न पहले बोल कर आया, जागृत स्वप्न दोनों स्थान में तत्व का अग्रण तुल्य है, ऐसा ही सुषुप्ति काल में भी तत्व का अग्रण तुल्य है। ठीक है, यह तक हो गया। अब देखिए बोलते हैं अब बोलते हैं टीका में देखिए, टीकाकार बोल रहे हैं जत्र सुप्त इति उक्ते। वहाँ पे मूल में क्या है जत्र सुप्त मतलब जिस काल में अथवा जिस अवस्था में आकर। अच्छा बताइए, आपको एक काल कोठरी में किसी निमित्त से बंद कर दिया गया है जहाँ पे आपके पास कोई घर ही नहीं है,
तो आप कितने समय तक गहरी नींद में रहे आपको पता लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। जागृत में भी ठीक है, पुराने अभ्यास इतने समय ही हो, परंतु सुषुप्ति काल में आप काल में, मतलब क्या है कि जैसे हम शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं तब काल का कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज काल की वो आपको स्थिति नहीं है। इसलिए जिस काल में आकर के जत्र सुप्त टीका में जत्र सुप्त इति उक्ते, यहाँ पे सुप्त इस प्रकार होने का जब मूल में बात इस प्रकार कथन होने पर तयोरपि प्रसक्तो, किसका सुप्त मतलब सोया हुआ, जिस समय सोया हुआ सुप्त मतलब जिस समय सोया हुआ, अब हमारे वैदांतिक सिद्धांत में जागृत भी एक सोना है, स्वप्न भी एक सोना है, सुषुप्ति भी एक सोना है कि नहीं, जागृत भी एक सोना है, सोना मतलब गोल्ड नहीं है, सोना मतलब हम सो रहा, तो जागृत काल भी एक सोना है, माया नेत्र में सोया हुआ अभाव अवस्था अभाव प्रत्यय आलम्बन करके जागृत काल में तो अभाव प्रत्यय मतलब स्वरूप का अभाव का प्रत्यय है। इसलिए अब जत्र सुप्त इति उक्ते तयोर अपि प्रसक्तो, जिस समय व्यक्ति सोया हुआ इस इतना मात्र कथन करने से जागृत स्वप्न का भी प्राप्ति हो जाता है, जागृत स्वप्न का भी प्राप्ति हो जाता है। जत्र सुप्त इति उक्ते तयोर अपि प्रसक्तो तब व्यवच्छेदना सुषुप्तस्य एव घनत्व, आपने बोला जत्र सुप्त, जत्र सुप्त बोलने से यहाँ पे तीन व्यक्ति प्राप्त होता है। सफेद कपड़ा वाला व्यक्ति हम बोलेंगे तो हमको सामने में तीन व्यक्ति दिखाई देगा, अब तीन व्यक्ति में से दो को अलग करना है और एक को कहना है, ठीक है ना। तो हम क्या इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं जत्र सुप्त इति उक्ते तयोरपि, मतलब उन दोनों का भी प्राप्ति हो जाने पर तद व्यवच्छेद न, उन दोनों को हटाते हुए सुषुप्तस्य, जिस समय गहरी नींद है, सुप्त और सुषुप्त, सुप्त मतलब सोया हुआ, सुषुप्त मतलब गहरा नींद, इसीलिए उस सुषुप्तस्य एव केवल गहरी नींद की अवस्था को ग्रहण कराने के लिए ही जत्र सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषणम, वहाँ पे दो विशेषण दिया गया, इसके पहले केवल जागृत स्थान, इसके बड़ा स्वप्न स्थान, यहाँ से शुरू करना चाहिए था, सुषुप्त स्थान एक यहाँ से शुरू करना चाहिए था, परंतु यहाँ पे शुरू नहीं करके जत्र सुप्त कह करके पहले दोनों से अलग करने के लिए ये दिखाना है कि इस अवस्था में भी सोए हुए हो, जागृत में स्वप्न में भी सोए हुए हो, सुषुप्त में तो सोए हुए ही कुछ पता है, परंतु इन दोनों को अलग करने के लिए जत्र सुप्त बोल करके फिर दो विशेषण दिया, एक विशेषण है न कंचनम काम कामयते, दूसरा न कंचनम स्वप्नम पश्यसि, ये दो विशेषण दिया, उससे क्या हो जाएगा गहरी नींद को पता लगता है, सुषुप्त इसको हम सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जत्र सुप्त इति उक्ते तयोर अपि प्रसक्त तद व्यवच्छेदना सुषुप्तस्य एव ग्रहणार्थम, ठीक है, पंक्ति लग रहा है ना, विषय वस्तु भी समझना है, पंक्ति को भी समझना है, क्योंकि विषय वस्तु पंक्ति को छोड़कर हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जत्र सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषण, न कंचित प्रकार के विशेषण को दिया गया है, तद ही स्थान द्वयम् व्यवच्छिद्य सुषुप्तम् एव ग्राह्यति इति, तद् ही मतलब विशेषण द्वयम्, तद् ही से क्या लेंगे तत्पश्य विशेषण द्वयम्, ये दो विशेषण क्या करेगा, स्थान द्वयम् व्यवच्छिद्य, दो स्थान को अलग करके, उन दोनों स्थान को जागृत स्वप्न इस दोनों स्थान को अलग करके सुषुप्तम् एव केवल सुषुप्ति अवस्था के ग्राह्यति ग्रहण करवाता है, कॉन्सुअल फॉर्म है ना इति अर्थ, इसलिए दो विशेषण दिया गया, स्थान द्वयम् व्यवच्छिद्य सुषुप्तमेव ग्राह्यति इति अर्थ। अच्छा फिर वहाँ पे इसको बोल रहे हैं जो विशेषण न कंचनम स्वप्नम पश्यति इति, न कंचनम कामम कामयति न कंचनम स्वप्नम पश्यति। अब देखिए टीकाकार भाष्यकार वहाँ पे क्या बोले थे कि यशाप यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम न कंचनम स्वप्नम पश्यति इति अनेन एव विशेषणेन स्थानद्वयेन स्थानद्वय व्यवच्छेद संभवात् विशेषणान्तरम् अनर्थकान्तरम् अकिञ्चित्करम् इति आशंक्य आह। वहाँ पे दो विशेषण दिया, क्या विशेषण दिया, न कंचनम कामम कामयते और न कंचनम स्वप्नम पश्यति, ठीक है ना, क्योंकि स्वप्न के पीछे हेतु होता है जागरण, जागृतकालीन वासना के कारण ही हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न नहीं देख रहे मतलब जागृतकालीन वासना नहीं है, इसीलिए एक को निषेध करने पर नहीं दूसरे का भी निषेध हो जाता है। स्वप्न के पीछे हेतु क्या होता है, जागृतकालीन वासना, आप स्वप्न नहीं देखता है मतलब जागृतकालीन वासना नहीं है, काम होते जा रहे हैं, तो आप केवल मतलब स्वप्न नहीं देखता इतना बोलने से तो काम हो जाता है। जब दो नंबर एक के ऊपर टिका हुआ है, दूसरा मंदिर पहला मंदिर के ऊपर टिका हुआ है,
दूसरा मंदिर ही नहीं है, मतलब इसका तो क्या है कि पहला मंदिर, मतलब यहाँ मंदिर की दृष्टि नहीं देखे, इसके सहारे टिका हुआ है तो वो नहीं है, मतलब ये नहीं है, यही कहना पड़ेगा आपको। इसलिए आप बोलते हैं कि यत्र सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचि स्थान व्यवस्थित सुषुप्त ग्रहयती न कंचन स्वप्न पश्यति अनेन एव विशेषण, इस विशेषण के द्वारा दो विषय में से दूसरा विषय स्थान व्यवच्छेद संभव है, उसी से दोनों स्थान की अलग हो जाना संभव हो जाने के कारण विशेषण अंतरम एक विशेषण द्वारा कंचनम काम काम की विशेषण अंतर दिया अकिंचित कर्म, इसका कोई अधिक प्रयोजनता नहीं है, ऐसा शंका करने वाले तो उसको उत्तर देते हैं भगवान वाचार्य बोलते हैं अथवा, है ना। अब आया अथवा, पहले वहाँ पे चार नंबर पांच नंबर टिप्पणी है ना जी। तो चार नंबर टिप्पणी में देखा हो विशेषणयोर विकल्पेन व्यवर्तकत्वम इति शेष, मतलब दो विशेषण दिया ना, एक जागृत को लेकर के स्वप्न को लेकर, आप दोनों में से किसी भी विकल्प को एक को लेकर के ही सुषुप्ति को अलग कर सकते हैं। विकल्प मतलब होता है दिस और दैट, इसको भी आप लगा करके घटा सकते हैं, इसको भी लगा करके घटा सकते हैं। जिस समय कोई जागृतकालीन व्यवहार नहीं करता, जिस समय जागृतकालीन जैसा कोई व्यवहार नहीं करता, ऐसा कह लीजिए वो सोया हुआ है ऐसे करना, अथवा जिस समय वो सपनों नहीं देखता मतलब जागृत के निमित्त से उसमें शिशु गहरा नींद में है ऐसा पता लगता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं चार नंबर टिप्पणी में विशेषणयोर दोनों विशेषण में किसी एक दोनों विशेषण विकल्पेन, विकल्प मतलब आइदर ए और बी दोनों में से व्यवहारतकत्वम वो सुषुप्ति को अलग कर देते हैं, इति अस्ति शेष ही वहाँ पर समझना पड़ेगा आशंक आहो अथवा अथवा इत्यादि वहाँ से लेकर के अथवा, ठीक है ना। भाष्य में देखिए अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु, है ना, तत्व अप्रबोध लक्षण साप अविशिष्ट, तीनों स्थान में तत्व को नहीं समझने के द्वारा लक्षित होता है जो भी, वो तो तीनों में बराबर है। इति पूर्वाभ्याम सुषुप्त विभजत, इसलिए उन पहले दोनों से सुषुप्ति को अलग कर देना, तत्व अप्रबोध तीनों में बराबर है, तो केवल तत्व अप्रबोध कहने से तीनों का ग्रहण होता, इसीलिए आप तीनों का ग्रहण से दोनों को घटा करके केवल सुषुप्ति को दिखाना है, इसलिए उसकी विशेषता को कहना है। मैं बोला था किसी वस्तु को समझाने के लिए दूसरे के साथ उसका सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी दोनों कहना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं पूर्वाभ्याम सुषुप्त विभजते। अब जत्र मतलब जस्मिन काले वा सुप्त, जस्मिन स्थाने जस्मिन काले वा, ठीक है ना, किसी अवस्था में आकर के अथवा किसी समय में आकर के अचानक वो आपको पता नहीं लगेगा। सुप्त न कंचनम स्वप्नम पश्यति, जिस समय सोया हुआ व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं देखता, यहाँ भी एक परेशानी खड़ा होगा। देखिए ऊपर देखिए जो विशेषण लगाया गया है, न कंचनम कामम कामयते न कंचनम स्वप्नम पश्यति, कौन सा विशेषण को पहले दिया, किसको पहले लिख रहे हैं, न कंचनम स्वप्नम पश्यति, समझ में आ रहा है। आप सोचो श्रुति में एक बोला, टीकाकार तो ठीक है भाष्यकार का अनुसरण करते उसको पहले लिख दे, वहीं पे बोलने वाला था और अब भाष्य से उसको आया वहाँ पे, मतलब ये सारा संसार स्वप्न जैसा ही है, केवल मनोकल्पित है, इसलिए स्वप्न को ही पहले पकड़ा, श्रुति में पहले जागृत को दिखाया बाद में स्वप्न को दिखा, भगवान भाष्यकार पहले स्वप्न को दिखा रहे बाद में जागृत को दिखा रहे, क्यों ये अभिप्राय होगा भाष्यकार, अपने आप से सोचना, ये इस विषय में टीकाकार भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने आप सोचना, जागृत की वासना स्वप्न में आता है इसलिए स्वप्न में स्वप्न में भय जाना भी निषेध हो जाए, फिर मतलब जागृत अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अरे कौन गया था, एक मिनट थोड़ा सा, ये आप जरा इसके ऊपर विचार करना कि ये हुआ क्या यहाँ पे, क्यों इसे भगवान भाष्यकर पहले जो है इसको कर दिया। तो भाष्यकर यहाँ पे बोल रहे हैं कि रत्र जस्मिन काले वा सुप्त न कंचनम स्वप्नम पश्यति न कंचनम कामम कामयति, तो जिस समय ये सोया हुआ व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं देखता और जिस समय ये कुछ जागृत वासना भी नहीं कर, स्थूल वासना भी नहीं करते हैं,
इस अवस्था को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि देखो ये संपूर्ण सृष्टि मतलब जागृत भी एक सपना ही है। भाष्यकार के अभिप्राय शायद ये होगा जागृत भी एक सपना ही है, क्योंकि वो भी एक वासना से हम देखते हैं, थोड़ा आँख जो है लगता है कि ओरिजिनल है परंतु ये भी कल्पित है, और जो अपना जो है पहले से भगवान दिया हुआ है ना, वो भी एक अपना ही वासना का ही कल्पना है। इसीलिए हमें बोलता है जस्त जस्मिन काले वा सुप्त जस्मिन स्थाने काले वा सुप्त न कंचनम स्वप्नम पश्यति न कंचनम कामम कामयति, किसी भी प्रकार की वासना कामना को काम नहीं करती। नहीं सुषुप्ते पूर्वयोर इव अनुरक्षा गहन लक्षण, ये हो गया न कामयते। अच्छा न ही के लिए प्रतीक आगे आएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम एक पंक्ति और पढ़ लेंगे। तो अथवा को देखिए यहाँ पे हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं, नहीं सुषुप्ते पूर्वयोर इव अनुरक्षा गहन लक्षण स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते, ठीक है ना। ये जो विद्यते आप टिप्पणी छह नंबर में आ जाइए, छह नंबर टिप्पणी में देखिए आप अथवा इत्यादि विद्यते इति अंतेन ग्रंथेन। छह नंबर टिप्पणी में क्या लिखा, पांच नंबर ठीक है, पांच नंबर अथवा इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि ग्रंथेन। ये विद्यते कहाँ मिलेगा, ये जहाँ पे हमने रुका भी, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ग्रंथ भगवान भाष्यकार की अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिबोध अप्रतिबोध लक्षण स्वाप अविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते, ठीक है ना। पहले दोनों से सुषुप्ति को अलग करते हैं, फिर आगे और बोलते हैं जत्र जस्मिन काले जस्मिन स्थाने काले वासुप्त न कंचनम स्वप्नम पश्यति न कंचनम कामम कामयते, नहीं सुषुप्ते पूर्वयोरिव अन्यत्र गहन लक्षणम स्वप्न दर्शनम काम वा कश्चन विद्यते, यहाँ तक से विकल्प हो अथवा करके यहाँ पे समझना। अर्थात मतलब क्या बोला कि वहाँ पे क्या बोलता, दोनों में से किसी एक को भी आप सुषुप्ति के विशेषण के रूप में अलग कर सकते हैं, विकल्प का ही अर्थ है। दो बोला ए एंड बी, इसमें दोनों में से कोई भी एक भी सुषुप्ति को अलग कर देगा, ये समझा नहीं कैसे अलग करेगा उसको लेकर क्या बोलते हैं, चाहे स्वप्न काल में हो चाहे जागृत काल में हो अथवा सुषुप्ति काल में, अग्रण बराबर है परंतु अन्यथा ग्रहण दोनों में एक ही है। अन्यथा किस में है, स्वप्न और जागृत में, तो इस अन्यथा ग्रहण बोलने पर सुषुप्ति में नहीं है, फल तो अलग हो जाएगा वो। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ की ग्रंथ भाग को अथवा को लेकर के बोला जा रहा है। अब जो है यहाँ पे इस पंक्ति को हमने पढ़ा अथवा त्रिषु स्थानेषु तत्व अप्रबोध लक्षण साप अविशिष्ट, ठीक है ना, सुषुप्ति अवस्था तीनों में अग्रण, ठीक है, इति पूर्वाभ्याम सुषुप्त में यत्र जस्मिन स्थान, यत्र मूल कहाँ पे है, यत्र मूल में है, उसका अर्थ करते हैं जस्मिन स्थाने काले वा, है ना, जिस किस स्थान में जा करके अथवा जिस किसी काल में होकर के शुद्ध स्वयं हुआ व्यक्ति न कंचनम स्वप्नम पश्यति, कोई भी अन्यथा ग्रहण नहीं करता, स्वप्नम पश्यति मतलब कोई वासनाओं के जनित काम नहीं करता, न कंचनम का स्थूल वस्तु का कोई कामना नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ तक तो यहाँ पे देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, टीका में आ जाइए, तत्व अप्रतिबोध स्वाप साप्तस्य स्थानत्रय भी शाप तत्व अप्रतिबोध स्वाप, ठीक है, तत्व अप्रतिबोध शाप तस्य स्थानत्रय भी तुल्यत्व, लेकिन एक कौन जागृत स्वप्नाभ्याम विभज्य सुषुप्तम ज्ञापयितुं विशेषणम इति अर्थ, ठीक है ना। तत्व अप्रबोध शाप तत्व को नहीं समझना यही निद्रा है, तत्व को नहीं जानना इसको निद्रा बोलते हैं। निद्रा मतलब ये नहीं कि सोए हुए निद्रा, शास्त्रीय भाषा में निद्रा मतलब यथार्थ ज्ञान नहीं होना यही निद्रा है। इसको तत्व अप्रबोध साप तत्व को अप्रतिबोधी साप है, तस्य स्थान त्रय अपनी तुल्यत्व, वो जो है स्वाप मतलब तत्व की अग्रहण तत्व की अग्रहण वो तीनों स्थान में बराबर है। तस्य मतलब अप्रतिबोधस्य सापस्य तस्य स्थान त्रय अपनी तीनों स्थान में कौन जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तुल्यत्व जागृत स्वप्नाभ्याम आप क्या जागृत और स्वप्न इन दोनों से पंचमी द्विवचन विभज्य अलग करके सुषुप्तम ज्ञापयितु सुषुप्ति को बोध कराने के लिए विशेषणम इति दो विशेषण दिया गया इसका अर्थ। अब विशेषण में आपको छह नंबर टिप्पणी है क्या बोलता है विशेषण द्वय द्वितीय अर्थ, ठीक है ना, दो विशेषण एक जागृत को लेकर के स्वप्न को लिए। अब प्रश्न उठता है
कृतिकल एकस्य एव विशेषणस्य व्यवच्छेदकत्व संभवा, एक ही विशेषण के द्वारा ही सुषुप्ति को आप अलग करके दिखा सकते थे, क्योंकि दोनों में तो तीनों में कॉमन है अग्रण, और दोनों में कॉमन क्या है अन्नथग्रण, तो दोनों में से किसी एक को बोलने से अन्नथग्रण सुषुप्ति में निकाम हो जाता। इन दोनों में मान लीजिए कि इन दोनों में केवल सफेद कपड़ा है, इसमें भी सफेद कपड़ा है, परंतु थोड़ा सा एक तो हम दोनों से अलग करने के लिए जिसमें थोड़ा सा एक अन्न कपड़ा लपटा हुआ बोलने से दोनों से अपने आप अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो अन्नथा ग्रहण दोनों में होने के कारण ये अन्नथा ग्रहण जहाँ पे नहीं है इतना मात्र बोलने से आपका सुषुप्ति का समझ में आ जाता है। दोनों जगह पे अन्नथा ग्रहण है, जागृत में स्वप्न में, तो आप केवल इतना ही बोलते हैं जहाँ पे अन्नथा ग्रहण नहीं है तो वहां पे चला जाता है सुषुप्ति में, चला जाता लक्षण है ना। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक लेने से काम होता है तो दो क्यों बोल रहे हैं, ये शंका उठा रहे हैं, ठीक है। एकस्य एव विशेषणस्य व्यवच्छेदकत्व संभवा, एक ही विशेषण के द्वारा उसको सुषुप्ति को अलग करना संभव होने के कारण अलम विशेषणाभ्याम, अलम यहाँ पे कह जाएगा दो विशेषण देने की कोई उपयोगिता नहीं है ऐसा। इति अस्य का समाधि, इस शंका की कि आपके पास क्या उत्तर है, और ये आक्षेप किसका ऊपर है, भाष्यकार के ऊपर नहीं, श्रुति के ऊपर, श्रुति ने दिया, दो विकल्प दिए, श्रुति ने दो विशेषण दिया। तो आप जब शंकाकार बोल रहे आपके पास श्रुति की इस वाक्य के ऊपर क्या समाधान है बताओ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अलम विशेषण अभ्याम इति अस्य का समाधि, इसका क्या समाधान है, इति आशंक विशेषणयोः विकल्पेन व्यवच्छेदकत्व, ये जो विशेषण में से किसी एक विशेषण को आप लगा सकते। बात क्या है, साधन तो आपका जागृत अवस्था में बैठ के हुआ, ठीक है ना, और परंतु स्वप्न देखेंगे आप उस जागृत वासना के अनुसार, तभी हमको पता लगेगा कि जागृत भी एक सपना है। इसलिए दोनों में से दोनों की उपयोगिता तो है, परंतु तो आप सुषुप्ति को अलग करने के लिए दोनों में से कोई एक को भी आप इच्छानुसार समझ सकते हैं। बोल रहे ना यहाँ पे विशेषणयो, दोनों विशेषण में से दोनों विशेषण का विकल्पेन, विकल्पेन मतलब चाहे ए अथवा बी, दोनों में से किसी एक को द्वारा व्यवच्छेद का उसका सुषुप्ति से अलग, व्यवच्छेद क्या मतलब सुषुप्ति को अलग करके दिखाने के लिए समर्थवान हो जाता है। जब जागृत अवस्था है तो हम अपने मन से कामना करते हैं ना, काम कामयते, और स्वप्न में हमारी मर्जी नहीं रहती, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, वो अपना जागृत काल में जो संस्कार के द्वारा, मैं बोला कि जागृत काल में आपका चेतन की विस्तार की जगह रह जाता है, जो चेतन को आप जागृत अभिमानी रूप में इतने जगह पे लगा रहे उसका विस्तार रह जाता है। स्वप्न काल में क्या होता है, विस्तार करने का संभावना नहीं है, क्योंकि वो संस्कार के तरह ग्रसित हो जाता है, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। दोनों में कामना हो रही है, दोनों में अन्यथा कामना मतलब अन्यथा ग्रहण हो रहा है, दोनों में अन्यथा ग्रहण हो रहा है, कामना हो रहा है, एक जगह स्थूल वस्तु का एक जगह सूक्ष्म वस्तु का, इतना ही है। तो इसीलिए दोनों में से कोई एक भी इसका व्यवच्छेद हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसके विकल्प से प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उपयोगिता है। और इसीलिए भगवान भाष्यकार स्वप्नों को पहले लाए, स्वप्नों को पहले लाया मतलब क्या है, सारा ही कल्पित ही है, सारा ही स्वरूप की पूर्णता का ग्रहण नहीं हुआ, क्या हुआ, स्वरूप की पूर्णता का ग्रहण नहीं हुआ, तो आपने क्या मान लिया, मैं परिच्छिन्न हूँ, मुझसे वो वस्तु भिन्न है, वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, तो फिर उसकी प्राप्ति करने के लिए अथवा उससे अलग होने के लिए आप प्रयास करते हैं, ये अन्नथा ग्रहण का फल हो गया, ये अन्नथा ग्रहण। तो ये जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, इसलिए दोनों में से किसी एक को प्रयोग करके आप इसको अलग कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि विशेषणयोर विकल्पेन व्यवच्छेदकत्व न अनर्थकम्, यहाँ पे आपको मतलब दृष्टि को थोड़ा खोलने के लिए ये अनर्थक नहीं है, ये अनर्थक नहीं है, क्योंकि हमारे दृष्टि के वेदांतिक दृष्टि के अनुसार जागृत भी एक स्वप्न है और स्वप्न भी स्वप्न है, इसलिए दोनों में से किसी एक से काम हो सकता है। तो जागृत की मतलब साधन जागृत अवस्था में होता है, इसलिए जागृत को भी हमने साथ में लिया, वो होने पर भी जब तक समझ में नहीं आता तब तक जागृत को सही मानते हैं, है ना, जागृत को सही मानते हैं, इसलिए उसको भी साथ दी सकते हैं। विकल्प है ना व्यवच्छेद का अपना अनर्थक, आठ नंबर टिप्पणी में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, क्या लिखा है पुस्तक में, विकल्प सात नंबर कहाँ पे, सात नंबर एक उक्ताम शंकाम अनुद्योग परिहार निर्णय का भागम अवतारयति, इस शंका को अनुवाद करके उक्ताम शंकाम अनुद्योग,
जिस शंका को कहा गया उसका अनुवाद करके परिहार मतलब इसका समाधान समाधान निर्णय करने के लिए जो समाधान परिहार निर्णयकम भागम जो भाग है उसका अवतरण करते हैं उसको उत्तर के रूप में कहते हैं एकस्य एव ये परिहार है हमारा। ये हो गया सात नंबर टिप्पणी। आठ नंबर विकल्पेन वहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। द्वयोरपि व्यावर्तकत्वे नेष्टं तेन व्यावर्तनीयमिति विकल्पः। इसको अर्थ नहीं लग रहा। द्वयोरपि व्यावर्तकत्वे येन इष्टं एक यकार चाहिए बीच में। द्वयोरपि व्यावर्तकत्वे फिर एक यो लगाइए यो तब क्या पड़ेगा हाँ तो व्यावर्तकत्वे फिर यो में एकार की मात्रा लगाइए फिर नेष्टम है ये न इष्टम पुरानी पुस्तक में सही है। द्वयोर अपि व्यावर्तकत्वे दोनों में से किसी एक ही मान लो हम इस पुस्तक को अलग करके दिखाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं बोल सकते हैं कि पुस्तक मोबाइल नहीं है ठीक है ना और यहाँ पे एक माइक भी है पुस्तक माइक भी नहीं है दोनों में से किसी का हम प्रयोग कर सकते हैं जब तक इन दोनों तो बिल्कुल भिन्न वस्तु है हम तो जागृत और स्वप्न कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है दोनों ही एक अंतःकरण के समान आधार है। अगर हम कंचन कामम कामयते ना लें केवल एक लें ना कंचन स्वप्नम पश्यति तो जागृत अवस्था भी आ जाएगी क्योंकि इसमें हम स्वप्न माना का उसी के लिए तो बोला यहाँ पे उसी के लिए तो बोल रहे हैं कि विकल्प नहीं दोनों ही होना चाहिए आप विशेषण क्यों दिया अनर्थक है तब टीकाकार क्या बोलते हैं कि दोनों ये श्रुति के ऊपर है श्रुति क्या दिखाना चाहते हैं दोनों से सुषुप्ति अलग है तो यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं कि दोनों में से किसी एक को भी आप सुषुप्ति के अलग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं परंतु मुख्य उद्देश्य यही है कि दोनों ही स्वप्नावस्था है दोनों में अन्न ठग्रहण हो रहा है इसलिए दोनों जगह को दिखाया गया है इसीलिए दोनों जगह को दिखाया गया है कि दोनों ही जो है अन्न ठग्रहण के आधार है अन्न ठग्रहण को नाश करना था अन्न ठग्रहण नाश कब होगा जब अग्रहण नाश होगा इसी को दिखाने के लिए अन्न ठग्रहण हमारा बंधन के हेतु है अन्न ठग्रहण के हेतु क्या है अग्रहण स्वरूप स्वरूप के अग्रहण तो स्वरूप के अग्रहण को पहले अलग कर रहे हैं है ना सुषुप्ति अवस्था को अलग कर रहे हैं इसलिए आप ये बोलते हैं कि द्वयोर अपि व्यावर्तकत्वे दोनों ही आपको अलग करने वाला हो गया कौन सुषुप्ति से अलग करने वाला स्वप्नावस्था भी है सुषुप्ति जागृत अवस्था भी है व्यावर्तकत्वे ये न इष्टम जिससे तुम्हारा अभिप्राय है ये न इष्टम जिससे आप अच्छा लगते हैं तेना व्यावर्तनीय उसको आप अलग कर सकते हैं उससे अलग कर सकते हैं शास्त्रीय दृष्टि से यहाँ पे जो आर्य आक्षेप भाष्यकार के ऊपर नहीं है श्रुति के ऊपर है और भाष्यकार इसलिए स्वप्न को पहले लाके दिखाया क्योंकि श्रुति में तो पहले जागृत को दिखा जिस क्रम से होते हैं कह कर गए भाष्यकार भी ऐसा किया टीकाकार भी ऐसा किया टीकाकार तो भाष्यकार का अनुसरण किया भाष्यकार क्यों किया ऐसा अभिप्राय यही है ये दोनों ही स्वप्न अवस्था जैसा जागृत और स्वप्न दोनों ही अन्यथा ग्रहण वाला अनर्थ कभी थी इसलिए आठ नंबर टिप्पणी ठीक है संशोधन कर लिया। द्वयोर अपि व्यावर्तकत्वे येन इष्टं तेन व्यावर्तनीयं जिससे तुम्हारा अभिप्राय उससे तुम अलग कर लो सुषुप्ति को इति विकल्प ये इसको विकल्प कहते हैं अपने आप टिप्पणी का लिख दे विकल्प क्या कहना चाहते अभिप्राय क्या है सुषुप्ति को अलग करने के लिए मतलब क्या है दोनों जगह पे इस जगह पे अग्रहण अन्यथा ग्रहण है और इस जगह पे केवल अग्रहण तो यहाँ पे अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों में से किसी एक को बोल दो तभी अलग हो जाएगा इतना मात्र इस समय हमेशा ध्यान रखना शास्त्र जितना मात्र इस समय बोलना चाहते हैं उतने को पहले समझ ले फिर हम अपना दिमाग लगाए पहले हम उसको समझ ले मत्ता आह उसको मन में रखते न ही इति वहां पर चार नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है न ही इति के ऊपर है प्रतीक के ऊपर टिप्पणी है चार नंबर मिला कि नहीं इस पन्ने में 25 पेज में पेज 25 में ठीक है ना तो चार नंबर उक्तम विशेषण वैयर्थ शंका परिहरण स्फुटी करोति जो शंका को उठाया गया था कि विशेषण वैयर्थ है उस शंका को निराकरण करके स्पष्ट करते नहीं ठीक है ना यहाँ पे आप उसके स्पष्ट करते नहीं प्रतीक लिया नहीं सुषुप्ते पूर्वयोर इव अन्यथा ग्रहण लक्षण बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि एक जगह पे दोनों है ए और बी और एक जगह पे केवल बी है
तो आपको केवल बी को दिखाना है तो आप क्या बोलेंगे कि इनमें से जहाँ पे ए नहीं है, जहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे इसमें दोनों है ए और बी, अग्रण अंतःग्रहण, और यहाँ पे केवल बी है, तो हम इसको अलग, इस दोनों से अलग करना चाहते हैं, हम क्या बोलेंगे जहाँ पे ए नहीं है, जहाँ पे ए नहीं है तो यही आ जाएगा कि जहाँ पर केवल बी है। संभावना तीन की रहने का है, तीनों कॉमन क्या है, अग्रहण, तीनों में ए बी मतलब ए तीनों में है और बी अन्नसाग्रहण इसमें नहीं है, तो अरे अन्नसाग्रहण कहाँ पे है, दोनों में है, पहले मतलब पहले दो ए में, इसीलिए ये दोनों में से अलग करने के लिए कोई एक काम चलता है, कुछ यहाँ पे बोलते हैं कैसे चलता है, नहीं सुषुप्ते पूर्वयोरिव अन्नसाग्रहण लक्षण, सुषुप्ते पहले दोनों में जैसे अन्नसाग्रहण होता है उस प्रकार लक्षण के द्वारा सुषुप्ति लक्षित नहीं है। स्वप्न दर्शनम कामोबा, ये देखिए स्वप्न दर्शन मतलब क्या हो गया, स्वप्न मतलब सूक्ष्म वस्तु की कामना करते हैं, अथवा जागृत कामना बा कश्चन विद्यते, स्वप्न दर्शनम कामोबा कहाँ पे लाया, न कंचनम काम कामयति, यहाँ भी देखिए भाष्य का स्वप्न दर्शन को पहले ले रहे हैं, ठीक है ना, स्वप्न दर्शनम काम ये मुझ में न कंचनम काम कामयति, यहाँ पे काम को लिया और न कंचनम स्वप्न पश्यति स्वप्न दर्शन को लिया, ठीक है ना, ये भाष्य में देखिए मूल को छोड़ा नहीं, स्वप्न दर्शन कामम व कश्चन न विद्यते, जहाँ पे स्वप्न दर्शन अथवा कोई स्थूल दर्शन नहीं है वो हो गया सुषुप्ति, वो हो गया सुषुप्ति, ठीक है ना, नहीं सुषुप्ते पूर्वयोरिव सुषुप्ति अवस्था में पहले दोनों के समान अन्नत्र घन लक्षण अन्नत्र घन का तरह लक्षित होता है जो स्वप्न दर्शन अथवा काम जागृत दर्शन, कामना से कहने के जागृत दर्शन स्वप्न सभा कश्चन विद्यते दोनों वहाँ पे विद्यमान नहीं है। यहाँ तक अर्थवा से लेकर यहाँ तक की पंक्ति सुषुप्ति में क्यों दो विशेषण दिया गया, दो विशेषण से क्यों अलग किया गया, श्रुति का अभिप्राय को दिखा करके फिर इनमें से किसी एक को भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल इतना ही कि एक में अग्रहण अन्नथा ग्रहण और एक में केवल अग्रहण है, अन्नथा ग्रहण नहीं है जहाँ पे इतना बोलने से ही काम हो जाता है, इतना ही बोलना अभिप्राय है, अन्नथा ग्रहण जहाँ पे नहीं है, परंतु अन्नथा ग्रहण कहाँ कहाँ है, जहाँ का मैं जब ये बोलता हूँ अन्नथा ग्रहण जहाँ पे नहीं है वो सुषुप्ति है कि नहीं, अब स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कहाँ कहाँ है अन्नथा ग्रहण, दोनों स्थान है, इसलिए दोनों समझ में आया, दोनों को दिखाने का श्रुति की उपयोगिता क्या है, अब इससे मैं बोलूँ एक बार आप पढ़ लो फिर श्रुति यहाँ पे विकल्प किस हिसाब से बोल रहे हैं, इस हिसाब से बोल रहे हैं, आप अग्रहण को दिखाना चाहते हैं, केवल अग्रहण को दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे अग्रहण अन्नथा ग्रहण से मिला हुआ है, तो आपने बोला जहाँ पे अन्नथा ग्रहण नहीं है वो सुषुप्ति है, इतना कहने से काम हो जाता है, तब प्रश्न होगा तो अन्नथा ग्रहण कहाँ किससे अलग करना चाहते हो, ये जहाँ पे अग्रहण नहीं है बोल रहे तो किससे अलग करना चाहते, तब बोलते हैं जहाँ अन्नथा कहाँ पर है, जागृत में भी है स्वप्न में भी है, इसलिए दोनों को, इसलिए दोनों को दिखा, अच्छा ये हो गया हमारा यहाँ तक, अब फिर आ जाइए टीका में, अन्यथा ग्रहण सुन्नतम काम संस्पर्श विरहितम च विशेषणाभ्यम विवक्षितम, ये देखिए ये दोनों विशेषण से क्या अभिप्राय है, एक हो गया अन्यथा ग्रहण सुन्नतम, अन्यथा ग्रहण नहीं हो रहा है, अन्यथा ग्रहण सुन्नतम अन्यथा ग्रहण वहाँ पे नहीं होता, और काम क्यों नहीं होता कि काम संस्पर्श विरहितम उस समय कोई वासना के साथ उसका संस्पर्श नहीं होता, भाषणों के साथ संस्पर्श नहीं होता, जब ये विशेषण ये जो है आप दोनों भीषण को उपयोगिता को दिखा दिया, ये आप देखिए जो आप बोल रहे हैं दोनों भीषण को उपयोगिता है, टीका का निषेध नहीं करते हैं, पहले विकल्प को प्रश्न उठा करके आप बोलते हैं दोनों की उपयोगिता है, विकल्प हम मानते हैं दोनों में से किसी एक, कब कब एक, जब हम केवल इतना कहेंगे कि अन्यथा ग्रहण अग्रहण और अग्रहण, तब दोनों में से किसी एक को बोलने से हो जाएगा, परंतु जागृत अन्यथा ग्रहण शून्यतम दोनों में है, मान काम संस्पर्श विरहितम च मतलब जागृत में भी आपका वासना है स्वप्न में भी वासना है, ये दोनों राहित्य को दिखाने के लिए दोनों विशेषण को दिया गया है, इसलिए अन्यथा ग्रहण शून्यतम काम संस्पर्श विरहितम च विशेषणाभ्यम विवक्षितम, दोनों विशेषण से ये दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये अन्यथा ग्रहण ही सबसे समस्या के कारण, अब हर जगह भी देखना लड़ाई झगड़ा बंधन कुछ कुछ भी मतलब जो हमारा क्या बोलेंगे दुख के कारण, दुख के कारण अन्यथा ग्रहण है, हर जगह पे देखना दुख के कारण अन्यथा ग्रहण, इसीलिए बोलते हैं वो दिखाने यहाँ पे अभिप्राय है। अच्छा फिर जो है टीका में जत्र इति अस्य अपेक्षितम अर्थम कथयति, अपेक्षित अर्थम कथयति जत्र इति मतलब जत्र बोला मतलब जिस स्थान में अथवा जिस काल में, ऐसा अर्थ किया
यत्र का अर्थ मतलब जिस स्थान में अथवा जिस काल में, यत्र मूल में आया पहला, तो आपने जब बोला जिस स्थान में अथवा जिस काल में, तो किसका अपेक्षा रखते हैं, तो कौन सा स्थान कौन सा काल है? आप जब बोला यत्र शब्द का तो क्या कर दिया, जस्मिन स्थाने कालेगा, ठीक है ना, तो कौन सा स्थान में अथवा किस काल में इसका अपेक्षा रखते हैं, उस स्थान अथवा काल को बताओ। इसलिए हम बोलते हैं जत्र इति अस्य, जत्र इस पद में जो अपेक्षित अर्थ, जो जिसको अपेक्षा रखता है, जिस विषय को अपेक्षा रखते हैं, तब कथे उसको बोलते हैं, ठीक है। तब तब एतसुषुप्त स्थानम अस्य सुषुप्त स्थान, वो कौन सा स्थान है, वहाँ पे जस्मिन स्थान है, ठीक है ना, मतलब सुषुप्त स्थान है, सुषुप्त स्थान वहाँ पे क्या था, मतलब जो जागृत अभिमान कर रहा था, ठीक है, जो अपना फिर भाषण में अभिमान कर रहा था, ममकार कर रहा था, यहाँ पे आकर वो अभिमान नहीं, अभिमान करने का जो कारण था वो छोड़ गया, उठ करके स्तुरन करने लगता है, इसलिए यहाँ पे जस्मिन सुषुप्त, जस्मिन स्थाने मतलब तब एतत् सुषुप्तम, वही ये सुषुप्ति अवस्था है, ये स्थान सुषुप्त स्थानम अस्य, ये पहले बोलकर जागृत स्थानम अस्य, स्वप्न स्थानम अस्य, स्वप्न स्थान बहुत ही समस्या है, वो चेतन तत्व पहले, उस चेतन तत्व को पहले जागृत अवस्था में ला करके दिखाया, जिस समय वो चेतन अपनी मन अंतकरण के साथ स्थूल शरीर में अभिमान करते उसका जागृत स्थान है, उस समय जिस समय वो चेतन तत्व अपने अंतकरण के साथ अभिमान करता है, भाषण के साथ अभिमान करता है, उसका स्वप्न स्थान है, जिस समय वो सुषुप्त अपना बिल्कुल गहरा निद्रा में है वो उसका सुषुप्त स्थान है, मतलब उसकी निद्रा नहीं है, जिस चेतन तत्व को हम दिखाना चाहते हैं उसकी निद्रा नहीं है, वो जिस उपकरण से व्यवहार करता है उस उपकरण सो गया है, वो उसका सुषुप्त स्थान है, उसका सुषुप्त स्थान, ये अभी ध्यान है, यहाँ पे अभिमान आप नहीं कह सकते, है ना, जिस व्यक्ति को हम दिखाना चाहते हैं वो व्यक्ति को पहले हमने दिखाया कि मान लीजिए एक मर्सिडीज कार में जा रहा है, दूसरे बार हमने क्या दिखाया, घोड़े में सवार होकर के जा रहा है, तीसरी बार दिखा रहा है कि उसके पास ना कार है ना घोड़ा है, व्यक्ति बोली, इसलिए जब तक एतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थान, यहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी था, एतत् सुषुप्तम सुप्ता स्वयमेव प्रदर्शितम, श्रुति ने स्वयं इसको देखा है, भाष्यकार जत्र शब्द का अर्थ कर दिया था यस्मिन स्थाने, ठीक है ना, यस्मिन स्थाने कस्मिन स्थाने सुषुप्त स्थान, सुषुप्त स्थान में आपको बताते, इसलिए जो सुप्ता ये अर्थ अथवा ये उत्तर श्रुति अपने आप देती है इस समय में आकर, इसे बोलते हैं श्रुत्या, श्रुति के द्वारा स्वयमेव प्रदर्शित, श्रुति के द्वारा अपने आप ही दिखाया गया, तत् एतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थान, ठीक है, ये हो गया पहला। अब जो है फिर टीका में आ जाइए, टीकाकार बोलते हैं कथम अस्य स्वदिति अस्य एकीभूतत्व विशेषणमिति, अब देखिए मूल में क्या है सुषुप्त स्थान, ठीक है ना, विसर्ग था वहाँ पर ड्रॉप हो गया बिल्लू बावल के कारण, उसके बाद क्या पद है एकीभूत, अब एकीभूत पद का भगवान भाष्कर व्याख्या कर रहे हैं, सामान्य रूप से एकीभूत मान क्या होता है, एकीभूत मतलब सामान्य अर्थ हम क्या समझते हैं, इस प्रकार दाल चाल मसाला जल था सब एक मिलकर के एक हो गया, खिचड़ी बन गया, ये एकीभूत मतलब खिचड़ी बन गया, ठीक है ना, अलग अलग वस्तु था वो एक हो गया, दूध में पानी मिला दिया वो भी एकीभूत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं यहाँ पे इस प्रकार का एकीभूत नहीं है, ये समझना, देखिए पहले से मन एकीभूत बोला, श्रुति बोलती है भगवान भाष्यकर अब एकीभूत शब्द का अर्थ कर रहे हैं, सामान्य रूप से हमारे मन में एकीभूत मतलब क्या होता है, दो चीज मिल करके एक हो गया एक रूप में, नहीं मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसको समझाने के लिए आगे, ठीक है, तो कथम अस्य स्वद्वितीयस्य, जब वहाँ पे द्वैतो दिखाई पड़ते हैं, द्वैतो दिखाई पड़ते कि नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मैं और आज्ञा उठ करके क्या बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं जाना, तो मैं और मेरा जानने के विषय कुछ नहीं जाना, ये था द्वैत हुआ कि नहीं, मैं था देखने वाला जानने वाला और क्या जाना, मैं कुछ भी नहीं जाना, ये तो ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल पर है, मैं कुछ भी नहीं जाना ये भी तो हमने जाना, तो द्वैत हुआ, तो द्वैत आया, तो जब हमें शब्दिति है वहां पर एकीभूत कैसे हुआ, वहां पर एकीभूत कैसे हुआ, इसलिए बोलते हैं कथम अस्य स्वद्वितीयस्य, वहां पे द्वैत है,
वहाँ पे द्वैत है, ठीक है ना। कथम अस्य स्वद्विति, अस्य एक ही भूतत्व विशेषण, वहाँ पे एक ही भूतत्व कैसे विशेषण दे दिया सुषुप्ति काल में, एक ही भूत यदि आशंका ऐसा शंका उठा करके उसका उत्तर देते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना भगवान भाष्यकर की शब्द को, ये जो स्थान द्वय प्रभिभक्तम मनस्पंदितम द्वैत जातम, ठीक है ना। दोनों स्थान में विभक्त होकर के मनस्पंदितम द्वैत जातम, सारा द्वैत प्रपंच मन का स्पंदन है। ये चीज हमेशा याद रखना कि द्वैत प्रपंच भाष्यकर की शब्द है, भाष्यकार के शब्द है। द्वैत प्रपंच दिखाई क्यों पड़ता है, मनस्पंदितम द्वैत प्रपंचम द्वैत जातम, ठीक है ना। द्वैत समूह जो भी दिखाई पड़ता है सब मन का स्पंदन है। मन का स्पंदन बंद हो जाता है तब आपको द्वैत नहीं दिखाई दे, मनुष्य अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध। आगे मांडुक का ये बोलने वाले हैं, ये भाष्यकार के स्थिति को ध्यान रखना। स्थान द्वय प्रविभक्तम, दोनों स्थान में तादात्म्य करके मन जो है मनस्पंदित दोनों जगह भगवान का स्पंदन होता है, वो द्वैत को दिखाता है। वास्तविक द्वैत कभी है ही नहीं। ये जो स्वद्वितीय क्यों बोला आपने, बोला वहां पे द्वैत है तो एक ही भूत कैसे हुआ, प्रश्न क्या किया, शंका क्या उठाया गया था, एक ही भूत शब्द आपने कैसे प्रयोग कर दिया, दो दिखाई पड़ता है क्यों, एक देखने योग्य वस्तु और देखने वाला, देखने योग्य वस्तु में कुछ भी नहीं जाना, वो देखने योग्य वस्तु देखने वाला में तो स्वद्वितीय है तो एक ही भूत कैसे हुआ। बोलते उसका अभिप्रेत अर्थ ये है मनस्पंदन क्या, दो बाकी दोनों स्थान में जागृत स्वप्न अवस्था में जो मन का स्पंदन से जो दिखाई दे रहा था वही द्वैत प्रपंच है। मनस्पंदितम द्वैत जातम, समस्त द्वैत प्रपंच कहाँ पे है कि स्थान प्रभिवक्तम, दोनों स्थान में विभक्त विशेष प्रतिष्ठ रूपेण विभज्य स्थितम प्रभिवक्तम, प्रतिष्ठ रूपेण विभज्य स्थितम इति प्रभिवक्तम, ठीक है ना। यहाँ पे मन दोनों जगह पे अपने के मतलब मन के जागृत में भी मन काम कर रहा है, ठीक है, वहां पे इंद्रियों का सहारा लेकर के यहाँ पे इंद्रियों का सहारा नहीं लिया, जागृत में किसका सहारा लिया था, इंद्रियों का सहारा लिया था, सपने में क्या क्या इंद्रियों का सहारा नहीं लिया, पर तो है तो मनस्पंद मन पूरा स्थान प्रहिवक्त मनस्पंदितम द्वैत जातम, ठीक है, इस वाक्य को याद रखना। दो नंबर टिप्पणी में देखो, स्थान द्वय प्रयुक्त विभाग विशिष्टम, यदि प्र और बी दो उपसर्ग को दिखाई दे रहे वहां पे, भद सेवायाम धातु का निष्ठा रूप है भक्त, निष्ठा रूप है उसका, दो भीषण उपसर्ग लगे प्र और बी, तो टिप्पणी कर देखो स्थान द्वय प्रयुक्त, ये प्र उपसर्ग को अर्थ हो गया और विभाग ये हो गया बी उपसर्ग विशिष्ट। इन लोग शब्द प्रयोग की शैली को देखिए, टिप्पणी कार प्र और बी दो उपसर्ग मतलब प्रयुक्त विभाग, प्रयुक्त विभाग है ना, स्थान द्वय प्रयुक्त विभाग है ना, भक्तम मतलब विभक्त हो गया, प्रयुक्त से विभाग हो गया, स्थान द्वय विभाग विशिष्ट इसका तरह विशेषित होता है, इति अर्थ कौन ये मनस्पंदितम द्वैत हो जाता। अब देखिए किसका अर्थ कर रहे हैं, ये एक ही भूत का अर्थ कर रहे हैं, खूब सावधानी के साथ देखिए इसको, तथा तथा रूप अपरित्यागेन अविवेक आपन्न, वो जो द्वैत जात मनस्पंदन का था जिसके फल से जो द्वैत दिखाई दे रहा था उस रूप को मतलब मन नाश नहीं हुआ है, मन नाश में मतलब अज्ञान है, इसलिए उस रूप को परित्याग नहीं किया, उस रूप को परित्याग कोई वादी ने सुषुप्त को मुक्ति माना, वेदांति नहीं मानता है, बोला ना वेदांति सिद्धांत तो कुछ अन्य वादी का कुछ हिस्सा में मिलता है कुछ हिस्सा में नहीं मिलता है, किसी ने सुषुप्त को मुक्ति माना, बोलता नहीं नहीं वहाँ पे अज्ञान नाश नहीं होता, वहाँ पे क्या बोलते हैं तथा रूप अपरित्याग ने अविवेक आपन, उस समय क्या हो गया अविवेक, विवेक भेद नहीं है, अविवेक आपन दृष्टांत दे रहा है। आप देखो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, अमावस्या की रात हो और गहरे बादल लगा हुआ है, ये दिन के समय आपको क्या होता है कि सारा मकान अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, रात के समय अलग अलग मकान दिखाई देगा, अमावस्या की रात और बादल से घिरा हुआ क्या बोलेंगे हम, गाढ़ अंधकार, क्यों एक अंधकार ही दिखाई दे रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई बोलता है क्या गाढ़ प्रकाश बोलते हैं कोई, क्यों प्रकाश में विभक्त तो दिखाई पड़ता है, प्रकाश में विभक्त तो दिखाई पड़ते इसलिए कोई बोलता नहीं गाढ़ प्रकाश, परंतु अंधकार में कोई नहीं दिखाई पड़ता गाढ़ अंधकार। अब इस जब गाढ़ अंधकार में आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये मकान मिल गया क्या,
आपस में मिलाने। तो यहाँ पे एक ही भूत क्या हो उसको समझाने के लिए बोलते हैं कि तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकम आपन्न नैश तमग्रस्तम इव, है ना। नैश मतलब रात के साथ संबंध रखते हैं जो अंधेरा, नैश तम मतलब रात के साथ संबंध रखते हैं जो अंधेरा, उसके साथ एक भीषण और लगा देना अमावस्या की रात और बादल से घिरा, तमो के द्वारा ग्रसित हो जाता है, जब अंधेरा के द्वारा ग्रसित हो जाता है इव, इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है। यहाँ भी केवल अज्ञान इतना ग्रसित कर लेता है इसको, बस कुछ भी विवेक नहीं रहता। नैश तमो ग्रस्तम इव, है ना। यहाँ पे बोलते हैं अह, अह मतलब नैश तमो ग्रस्त इव अह, आह नहीं बोला अह बोला, विसर्ग है वहां, अहन प्रातिपदिक है, अह दिन। जैसे दिन के समय, इस समय तो स्पष्ट समझ, जैसे दिन के समय हर वस्तु आपको पृथक पृथक दिखाई पड़ता है, रात के समय घोर अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो हम क्या बोलते हैं, भयंकर अंधेरा है, घोर अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल घोर अंधकार। इसलिए देखिए इस पंक्ति को अच्छी तरह, ये सुषुप्ति है हमारी, नैश तमग्रस्त इव अह, ठीक है ना। तो तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकम आपन्नम नैश तमग्रस्तमिव अह, सप्रपंचम सारा प्रपंच को ऐसा रखते हुए, जिस समय कोई व्यक्ति गहरे नित्यम से कुछ भी पता नहीं लग रहा है, जिस समय ये पे मतलब गहरी नींद पे है कोई व्यक्ति, उसको कुछ भी पता नहीं लगा, उस समय दूसरा व्यक्ति को सारा संसार दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसको ईश्वर सृष्टि में कोई भी भिन्नता उत्पन्न नहीं करते हुए सप्रपंच एक ही भूतम, है ना। तम ग्रस्त यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज और शब्द वाचक बीच में प्रयोग किया, इव अह, इव शब्द प्रयोग किया, मतलब यहाँ पे जैसा हुआ उस प्रकार से हुआ, कुछ नहीं यहाँ पे जैसा होता है यहाँ, इव अह सप्रपंचकम मतलब समस्त प्रपंच एक ही भूतम इति उच्यते, वो एक रूप हो गया, संपूर्ण प्रपंच का आपका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, केवल एक अज्ञान ही अज्ञान है। वहां पे तो अज्ञान के साथ ये अनुकूल प्रतिकूल भाव रहता है, ये भाषण, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, केवल अज्ञान। दृष्टांत तो कितना सुंदर दिया भगवान भाष्यकार ने, नैश तम ग्रस्तम इव अह, जिस प्रकार रात की अंधेरा के द्वारा दिन के मतलब वस्तु भीड़ जाने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना, ठीक इसी प्रकार केवल अज्ञान के द्वारा घिर जाने के कारण हमारा कुछ भी संस्कार उस समय नहीं दिखाई पड़ता, केवल अज्ञान ही दिखाई पड़ता है। सब प्रपंचकम प्रपंच साथ में रह करके, यदि प्रपंच आप यदि जागृत को सुषुप्ति बना दोगे तो प्रपंच साथ में नहीं रहेगा, प्रारब्ध से जब सुषुप्ति में जाओगे तो प्रपंच साथ में रहेगा, उठते ही तदम करो। जिस प्रकार रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, छुरा जुदा हुआ सारा दिखाई दे रहा, हम उठते हैं सारा संस्कार निकल कर घोर के सामने आ जाता है, इसलिए इव शब्द लगा है, एक ही भूत, ये किसका अर्थ कर रहा है, एक ही भूत है ना, स्व प्रपंचकम एक ही भूतम इति उच्यते, ठीक है ना, इसको यहाँ पे कहा जाता है। अब देखिए टीका में आ जाएगी, ठीक है, हम भाग नहीं सकते आप यहाँ से, एक एक करके शब्द समझना होगा, टीका में आ जाइए, उनको समझा रहे हैं। जागृत स्वप्न स्थान च इति स्थान द्वयम, कहाँ से लिख रहे हैं भगवान ये टीकाकार, वो देखो ऊपर लिखा स्थान द्वय प्रविभक्तम, उसका टीकाकार पहले, कौन दोनों स्थान है, जागृतम स्वप्नस्य इति स्थान द्वय, फाइन, तेन प्रविभक्तम, ये जागृत और स्वप्न स्थान के द्वारा अलग करके दिखाई दे रहा था, जो द्वैतम जो द्वैत प्रपंच कैसे दिखाई देता है, एक जगह पर स्थूल रूप में, एक जगह पर सूक्ष्म रूप में, स्थूलम सूक्ष्म च, है ना, तत्सर्व कुछ सारा मन स्पंदितम मात्रमिति वक्षते, केवल मन का स्पंदन है। इस बात को यदि आप ध्यान मानते इसी के ऊपर केवल मेडिटेट कर, किसके ऊपर, मन स्पंदितम दैत जात, तब मन रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा, मन स्पंदितम दैत, अब द्वैत नहीं है बस, आप केवल मन स्पंदन नहीं थोड़े जाए, द्वैत नहीं दिखेगा, स्थान तेन प्रभिवक्तम जैतम स्थूल तत्सर्व मन स्पंदितम, है ना, इस प्रभि जागृत स्वप्न दो स्थान बोला उसके द्वारा अलग हो गया, प्रभिभक्तम मतलब जैतम जो विशेष करके विभाजित हो गया, प्रभिभक्तम प्रयुक्त विभाग, जागृत स्वप्न प्रयुक्त विभाग प्रभिभक्तम, ठीक है ना, टिप्पणी काल बोले थे
उसके द्वारा क्या हो गया, जो स्थूल और सूक्ष्म, जो स्थूल रूप में दिखाई दे रहा था बाद में केवल भाषण सूक्ष्म रूप में, तत्सर्व सारा वस्तु मनस्पंदित मात्र मिति वक्षति, वो मनस्पंदन मात्र है। ये भाष्यकार बोला, आगे भी हमारे ये बोले कारिकाकार बोले, भाष्यकार यहाँ जो भी कुछ लिख रहा है कारिका का भूमिका कर रहे हैं। है कि सारा ग्रंथ को पढ़ करके इसका अभिप्रेत तो पहले दिमाग में बैठा गया, इसलिए शब्द प्रयोग भी कारिका के अनुसार करते जा रहे हैं। यहाँ से शब्द प्रयोग कारिका के अनुसार करते जा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं वक्षते मैंने आगे बोलेंगे। तच्च यथा स्वकीय रूपम आत्मन विभक्तम तथैव तस् अत्यागेन अव्यक्तार्थम कारण मात कारणम आपन्नम स्वकीय सर्व विस्तार सहित कारणात्मकम भवति। इसी को हम कारण शरीर बोलते हैं, इसी को हम कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर मतलब अज्ञान और अज्ञान के कार्य नाश नहीं हुआ, विद्यमान रहते हुए केवल दिखाई नहीं दे रहा है। तच्च और वो जो मतलब मनस्पंदन यथा स्वकीय रूपम आत्मन विभक्त, इस प्रकार उन दोनों में मतलब जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में उसका जो अपना अपना रूप है, स्वकीय रूप अपना अपना रूप मतलब वासनात्मक चित्त चित्त वृत्ति, यथा स्वकीय रूपम आत्मन विभक्त मतलब क्या है उसका रूप, सब अलग अलग देखने का स्वभाव बन गया हमें। और देखिए उस कल आया था प्रकृति एवं जानते भूतानि निग्रह किम करिष्यसि, सारा जीव अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, मतलब भेद देखने के एक प्रकृति बनी हुई है, स्वभाव बन गया भेद देखने का। उसको उसको आपने सुषुप्ति के समय जाते समय उसको त्याग नहीं किया, उसका बीज लेकर के आप गए और तब जाकर के उठते फिर भेद भेद देखने लगता है। मतलब जागृत में बैठ करके यदि आप सुषुप्ति में जा सकते हैं तो भेद को नाश करके जाना पड़ेगा, तब फिर उठ के फिर भेद नहीं देखेंगे। प्रारब्ध के अनुसार जब सुषुप्ति में जाते हैं तब भेद बुद्धि को नाश करके सुषुप्ति में नहीं जाते हैं, इसलिए उठ करके फिर भेद देखते हैं। पर जो जागृत को जो सुषुप्ति बना पाएंगे तब क्या हो जाएगा, भेद बुद्धि नाश करके वहां पहुंच पाएंगे, थोड़ा उठ करके फिर दोबारा नहीं देखेंगे। ये दोनों की भिन्नता इसलिए बोलते हैं, कितना स्पष्ट करके समझाए। देखिए तच्च यथा स्वकीय रूपम आत्मन विभक्तम, जैसे हमेशा भेद बुद्धि हमारे आपको बना तथैव तस्य, उसी प्रकार से उसको रख करके अत्यागेन उसको त्याग नहीं करते हुए वो क्या होते हैं अव्यक्त आत्म, उसी को अव्यक्त शब्द के द्वारा कहा जाता है, उसी को अव्यक्त शब्द के द्वारा मतलब इस समय आपके सामने अभिव्यक्त रूप में नहीं है, अव्यक्त मतलब अनभिव्यक्त अनमैनिफेस्टेड, ऑल एवरीथिंग इज देयर बट इट्स अनमैनिफेस्टेड, इट्स नॉट क्लियर क्लियर होते हैं अव्यक्त। कारणम आपन्न, वो कारण भाव को प्राप्त होते हैं, वो रहता है तभी जाकर उठ करके फिर भेद देखते हैं, जब वो कारण नाश हो गया तब फिर भेद नहीं देखेंगे। कारणम आपन्न स्वकीय सर्व विस्तार सहितम, जितना हमने मन से अपने जगत को बना के रखा था मतलब अपनी मनोर देखिए ये चीज फिर ये भी एक बहुत अच्छा शब्द, स्वकीय सर्व विस्तार सहितम अपना किया हुआ जो मनोरज्जु को हमने बनाया था, उस मनोरज्जु को नाश मतलब ये सब वस्तु की मन से हमने ये निश्चय नहीं किया कि इन वस्तु की उपयोगिता नहीं है, प्रारब्ध आया था गहरी नींद में थक गया था गहरी नींद में सो गया, मतलब इन सब वस्तु की मेरे उपयोगिता नहीं ये निश्चय हमने नहीं कर पाया था, उस अपरित्याग उस रूप में नहीं परित्याग, परंतु क्या होता है फिर दोबारा नहीं तो किसे संबंध कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि तच्च यथा स्वकीय रूपम आत्मन विभक्तम तथैव तस्य अत्यागेन अव्यक्तम कारणम, ये जो अव्यक्त इसी को हम कारण बोलते हैं, जैसा यथा अंडे तथा ब्रह्मांड, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ता है ऐसे ही समष्टि में भी है। आपन्नम स्वकीय सर्व विस्तार सहित, हमने जितना विस्तार किया तो सबको साथ में लेकर के कारणात्मकम भवति, वो आदमी द्वैत प्रपंच को बनाने के लिए फिर कारण रूप में आ जाते हैं कारणात्मकम भवति। यथा अह, देखिए अह ठीक है ना, यथा अहर विसर्ग है रे अहर दिन नैशेन तमसा ग्रस्तम तमस्त्वेन एव व्यवह्रियते तथा इदमपि कार्य जातम कारण भावम आपन्नम कारणम इव इति व्यवह्रि कारणम इति एव व्यवह्रियते, ठीक है ना। जैसे दिन रात नैशेन तमसा, देखिए यहाँ इस पंक्ति क्यों लिख रहे हैं नैशतम, नैशतम बोला ना वहाँ पे नैशतम में कौन सा समास है तृतीय तत्पुरुष समास है, नैशेन तमसा ग्रस्त, देखिए दोनों जगह पे नैशेन तमस दोनों जगह पे तृतीय तत्व नैश तमसा ग्रस्त, तीन पद हैं नैश तमसा तमग्रस्त नैश तमग्रस्त नैश तम में है तृतीय नैशेन तमसा अर्थेन ग्रस्त,
उसके तरह कृष्ण कृष्ण ठीक है। ये पंक्ति को पढ़ते समय आप थोड़ा भागिए नहीं, धीरे धीरे चलिए, आपको देखिए सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। जथा अहर जैसा दिन नैशे न तमसा ग्रस्त में किस पद करते करते नैश तम ग्रस्त आनंद गिरी जी ने तम तेन एव व्यवहारियते वो अंधकार इस शब्द के द्वारा ही प्रयोग होता है। वो अंधकार इस शब्द के द्वारा ही तेन एव व्यवहारियते तथा उसी प्रकार से इदम अपी ये जो कार्य ये जो संपूर्ण इदम अपी इस कार्य जातम ये संपूर्ण कार्यात्मक प्रपंच जो हमने मन से बनाया था कारण भाव मापन वो सब जो है अज्ञान से ढक गया। कारण भाव मापन्यम कारण इसलिए इसी को कारण शरीर कहा जाता है। अब ठीक है अब आपसे पूछेगा अब अज्ञान का कारण शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर क्या है ये कारण शरीर ठीक है ना। इसी को कारण व्यवहारी व्यवहार करने के लिए वास्तविक शरीर में कुछ नहीं है परंतु व्यवहार के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है ठीक है। दाता नैशेन तमसा ग्रस्तम तमस्पेन एव उसको अंधेरा रूप में व्यवहार किया जाता है तमस्पेन एव तमस में रहता है तमस्तुर धर्म और उसी के द्वारा व्यवहार किया जाता है तथा इदम अपि उसी प्रकार इस अवस्था भी सुषुप्ति अवस्था भी कार्य जातम कारण भाव मापन संपूर्ण कार्य प्रपंच मन मनोराज्य जो है कारण भाव को प्राप्त कर गया अज्ञान भाव को प्राप्त कर कारण वित्त व्यवहार उसको कारण रूप में कहा जाता है। यही तक रखते हैं ठीक है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आपको एक एक करके कितना स्पष्ट समझा रहे हैं प्रत्येक पद के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। आज कहाँ होगा जत प्रज्ञालोकाभास प्रतिहति अगमत शांतस्तमोहांधकारम मज्ज उन्मज्ज च घोरे अशक्ति उपजन उदनवती त्रासने में तीन नंबर यत् पादावास्थितानां स्तुतिशमविनय प्राप्तिरग्रग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनतौ सर्वभावैर्नमस्ते। ॐ नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।